बदलते भारत की शान। सुंदर हो एक दिन उम्र तो ढल ही जाएगा। आखिर दो दो बेटे बेटियों की माँ जो हूँ। अरे जमुना, सुंदर दिखने में उम्र थोड़ी ना बाधक होती है। आप तो जितना भी उम्र के हो ना, इतना सुंदर दिख रहे हैं। क्या बात है, क्या खाती है आप? अरे दीदी, आप जो खाती है मैं भी वही खाती हूँ। दीदी मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ, फिर कभी मिलते। वही तो जमुना, आपसे बात करते करते मुझे भी देरी हो गई। देखो ना ठुलो कांसा दाजू कैसे चले गए, मुझे ही ढूंढ रहा होगा। ठीक है मैं चलती हूँ, ठीक है फिर मिलेंगे। ठीक है। Thank you.
अरे चुलकांची किधर जा रहे हो? क्या मीटिंग में आ गया अभी? देखते नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ। अरे हम लोग भी बाजार जा रहा था ना, तो तुमको देखा तो फिर इधर से आया। आओ कुछ चाय पीते। नहीं नहीं, आज मैं थोड़ी जल्दी में। जाइए ना दीदी, हमारे मीटिंग में आके के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अरे मेरे वचन तो रख दो, एक कप चाय पीने में कितने टाइम लगता है, कितने समय लगता है? नहीं नहीं, कोई और दिन पी लेंगे, मिंग में आ गया, आज थोड़ा जल्दी में। अरे ठुलकांची मेरा वचन तो रख लो, एक कप चाय पीने में तुमको क्या इतराज है? नहीं मिंग में आ गया, मेरा पति मुझे ढूंढ रहा होगा। अरे ठुलकांची तुमको इतना अनुरोध करने से भी तुमको इतराज है तो आज से तुमसे मैं बात नहीं करूँगा। हे भगवान, आप कितना जिद्दी है। ठीक है चलिए जल्दी जल्दी पीते हैं। हाँ चलो चलते। इतना देर तक तुम कहाँ चल गई? मिंगमा दाजू ने चाय पीने के बोला ना, इसलिए बहुत जिद किया ना, इसलिए चाय पीने को गई थी। उसने बोला फिर तुम चली गई? अब आप गुस्सा मत होइए ना, मैंने बहुत कहा मिंगमा दाजू को, मेरा पति गुस्सा हो जाएगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसने बहुत जिद्दी की है ना, इसलिए मैं वहाँ चली गई थी। चलो फिर खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुनिए ना। हाँ क्या? अब ये रखिए तो। मैं ना एक सामान लाना भूल गई, आप उस समय गुस्से में थे ना, इसलिए बोल नहीं पाई मैं यूं गई यूं आई। ठीक है रखिए ये। अब ये ठुले कांची ना पहले जैसे नहीं रहे, अब भी अभी मीट लेके आया, उसको पकाने का दूर की बात है, एक चाय तक नहीं पूछती, उसको तो खिलाने वाला बहुत है ना, मैं तो कौन, मेरा तो परवाह नहीं, मैं जीऊं या मरूं। के भाई तो आप भी बाजार आए आज, तो यहाँ बैठे अकेले बैठकर क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये दोस्त ने लिया था ये मादा। अच्छा, और आज लौट आया। अच्छा।
अच्छा। अभी चेक कर रहा हूँ इसको। आप भी आए आए हाँ, तो बांसुरी भी आए बजाइए ना। मेरी भी बांसुरी खराब हो गई थी तो मैं नई बांसुरी खरीदने का आया। अच्छा। हाँ तो हम लोग गांव वाले हैं, संगीत को प्रेम करते हैं, तो खरीदनी तो पड़ेगी ना बांसुरी। हाँ, हाँ, बजाइए ना जेठा दाजू। अरे बजाएंगे आपको, हमने सुनाएंगे तो और मजा आएगा। हाँ हाँ चलिए। कार्की भाई मैं तो भूल ही गया। अच्छा। कहीं जाना था, फिर मिलेंगे ठीक है ना। ठीक है ठीक। कार्की दाजू झूले कांची, मुझे विश्वास था आप जरूर आओगी। बैठिए ना, गाना गाते हैं। बैठिए ना, आइए। नहीं नहीं, गाना वाना कुछ नहीं, क्या है, चलो आइए ना, बैठिए आप भी। नहीं नहीं नहीं, आपको गाना ही गाना था तो मेला में क्यों लेके आया। मैं तो गाना गा के ही जाऊंगी। गाना गाओ। आइए ना, बैठिए ना। ठीक है, आप चले जाइए, मैं कार्की दाजू के साथ गाना गा के आऊंगी। कार्की दाजू बजाइए। कैसे हो? ठीक हूँ, बहुत थका है, कुछ पीने के लिए आया हूँ मैं भी। ठीक है, कोई मंगा लीजिए भाई, एक ग्लास लोकल लाओ ना। ठीक है ठीक है। गर्मी है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको
जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसने मारा? ये कौन है? ये मैंने मारा सर, मैंने इस लकड़ी से इसको मार दिया। क्यों मारा और इसका क्या कसूर था? साहब, इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, इसीलिए मैंने इसको मारा। आपको जो कहना है थाना में जगह के, और अलर साहब इनको ले चलो। ठीक है साहब, कौन से थाना में जाना है? मैं जाऊंगी सर। और अलर साहब इनको ले चलो थाना। ठीक है, आप सभी का बयान लिखवाते पहले आप बताइए दीदी, आपने मीमा को क्यों मारा? साहब, काकी दाजू के साथ गाना गा के मैं अपने पति को ढूंढने निकली थी, लेकिन मेरे पति मिला ही नहीं, और रास्ते में मुझे अकेले देख के ये मीमा ने मुझे हाथ पाथ किया सर। ठीक है ठीक है, आप अपनी कहानी पूरी तरह बताइए। ठीक है सर, मैं बताऊंगी। अरे ठुलो गंची, तुझे जब भी जल्दी जल्दी में होते हो, मैंने कब से तुम्हारा राह दिख रहा था। क्यों मिंगमा आ गया? अरे मैं कल बाहर जा रहा हूँ ना, परदेश जा रहा हूँ, तो सोचा कि तुमको एक कप चाय पिला दूँ। चलो चाय पीते। नहीं नहीं मिंगमा आ गया, आज चाय भाई नहीं पीते, मैं जल्दी में हूँ थोड़ा। अरे बाप रे, आप तो इतने बड़े गायिका हो ना, तो हम जैसे लोग से तुम कैसे चाय पियोगे? ऐसा बात नहीं है मिंगमा आ गया, आज सही में जल्दी में हूँ मैं। नहीं, एक कप चाय पी लीजिए ना, फिर जिंदगी में कब मुलाकात होगी या नहीं। तब तो ठीक है मिंगमा आ गया, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी पियेंगे हाँ, नहीं तो आज ठुलो कांचा दाजू मुझे मारेंगे। तो मेरे कांचा तुम तंबोला खेलने जाओ, ठीक है क्या? ठुलो कांचे चाय पीते हैं। जी, और से तुम्हें अपना मैं बना के चलूंगा।
इतना क्यों डरती हो? तुमको मालूम नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अरे ढोला कांसा के पास क्या है? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। उसके लिए तुम्हारे लिए मैं सब लुटाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे सतीत्व बचाने के लिए ये मिंगमा को मैंने लकड़ी से मार दिया सर। ओसी साहब, ये मिंगमा एक चरित्रहीन आदमी है। ठुली कांची ने जो भी किया ठीक किया। हाँ सर, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए मिंगमा को मारा है। सर इसको छोड़ना नहीं, ये इसको सजा मिलना ही चाहिए सर। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं ऐसी गलती बार बार नहीं करूंगा और मैं ठुली कांची से भी माफी मांग लूंगा सर। चुप, तुम जैसे लोगों की वजह से ये समाज में महिलाएं असुरक्षित है। सेकंड जी साहब, इस मिंगमा को लेकर हाजिर में जाओ। ठीक है सर। बदमाश करता है। चल, मुझे मौका दे दीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, आपके पैर पड़ता हूँ। ठुली दीदी, मुझे आप पर गर्व है। महिलाएं कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मिंगमा जैसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। आपका कोई अपना आदमी डर नहीं है ना सर? ये उसका पति है सर। ओ, आप है। ऐसी महिला का पति होना गर्व की बात है। आपको अपनी पत्नी पर नाज होना चाहिए। जाओ, अपनी पत्नी को ले जाओ और ढेर सारा प्यार दो। मुझे माफ कर देना, मैं हर समय तुमको सबकी नजर से देखता था, लेकिन तुम तो देवी हो, देवी। खुशियों में